नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार थाना क्षेत्र इलाके के नालंदा कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छात्र छात्राओं के द्वारा प्रैक्टिकल के नाम पर कॉलेज प्रबंधक के ऊपर 200 रुपए लेने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि नालंदा कॉलेज में बीए पार्ट थर्ड का प्रैक्टिकल की परीक्षा हो रही थी, जिसमें हिंदी विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा 98 छात्रों में से 83 छात्रों से प्रैक्टिस के नाम पर अवैध तरीके से 200 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना की जानकारी जैसे ही छात्र संघ के नेता को हुई तो छात्र संघ इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आर लाल कॉलेज के हैं, आर लाल कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया गया, इसलिए इस कॉलेज में अब आ गया हम लोग का अथी, तो यहीं सेंटर आ गया, तो सेंटर में भाई भाई यहीं लिया जा रहा। अब वो कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया गया। जब आए हम लोग नया थे तब आए, तब बैठे, पता चला कि 200 रुपया क्लास में लिया जा रहा था। अब किनके द्वारा ही नहीं बता रहे हैं। जब पता चला कि वो बच्चा थे, जब चिन्ह कर हम लोग ने बोले कि ये पैसा लिए, तो वो भी हाथापाई भी किए। कितना लोगों से लिया गया? टोटल हिंदी डिपार्टमेंट में 98 बच्चा है, लिया गया 83 बच्चा से। क्या नाम आपका?